कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शायद प्रभु ने आपको हमारी उसके लिए मदद के लिए भेजा है। जो फोन आ रहा है ना सर, उस फोन में जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसी दर्द को खत्म करने के लिए हम ये सेवा चला रहे हैं। बारह लोग हैं, दो टुकड़ियों में डिवाइड हो जाते हैं जब कुछ ऐसा क्रिटिकल केस आता है, वरना एक एक हमारा चाहे ड्राइवर है चाहे अटेंडेंट जो साथ में जाते हैं इतने सक्षम है कि वो पूरा एक किसी भी पेशेंट को या किसी भी बॉडी को बहुत अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो दिल से सेवा कर रहे हैं। तो इसी वजह से जब इंसान दिल से सेवा करता है तो प्रभु भी उसका साथ देता है। तो एक एक टीम का मेंबर हमारा 100-100 के बराबर है। अभी गवर्नमेंट ने रेट तय कर दिया एम्बुलेंस वालों का, एम्बुलेंस वालों को ये बस ये प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को ये बात समझ में आ गई कि भाई अब हम वो कमा नहीं सकते जो हम कमा रहे थे, ऐसे में उन्होंने स्ट्राइक का बोल दिया कि अब हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। सर मेरे पास, मैं यहाँ नॉर्थ दिल्ली प्रताप नगर में हूँ, मेरे पास कॉल आ रही है मयूर विहार से, मेरे पास कॉल आ रही है नोएडा से, मेरे पास कॉल आ रही है गाजियाबाद से, मेरे पास कॉल आ रही है समयपुर बादली बुराड़ी, मतलब, और फिर जो फोन आ रहा है ना सर, उस फोन में जो पेन है, उसका जो दर्द है, उसी दर्द को खत्म करने के लिए हम ये सेवा चला रहे हैं। किसी भी पेशेंट को या बॉडी को हम लोग छोड़ के आते हैं तो उनका परिवार जो है वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में या परेशानी में होता है और उनको कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज के दौर में आप जैसे देख रहे हैं ना तो परिवार वाले साथ दे रहे हैं फोन करने पे, ना ही पड़ोस दे रहा है उनका साथ बिल्कुल भी। तो उस समय जब वो सारा उनका हो जाता है और उनको लगता है कि हाँ एक पूरा, चाहे वो अंतिम संस्कार है चाहे हम हॉस्पिटल तक उसको पेशेंट को पहुंचाना है, जब वो अच्छे से पहुंच जाता है और जब वो लोग आते हैं आके फिर हल्का सा बहुत हल्के हो जाते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शायद प्रभु ने आपको हमारी उसके लिए मदद के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रभु खुद आके करवाता है, क्योंकि हमारी कोई हैसियत नहीं है कुछ करने की। इमरजेंसी आती है, जब कोई दौड़ता हुआ आता है कि जैसे किसी को अटैक पड़ रहा है, किसी को सांस में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को घुटन हो रही है, या जैसे अभी तो कोविड का टाइम है, या जब एक्सीडेंट होता था तो हमारे घर पे हमारे ऑफिस पे लोग आते हैं कि हमें इमीडिएटली आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमें, तो हम यहाँ पर ना मैनेज करते नहीं है, वो मैनेज होता है ऑटोमेटिकली। फैमिली का पूरा सपोर्ट है, चाहे मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो, मेरे हस्बैंड हो, पूरे तरीके से वो लोग हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के मोटिवेशन की वजह से और सपोर्ट की वजह से बहुत बड़ी ये ताकत है मेरे लिए।
डेली की 40 to 50 केसेस जो होते हैं डे के हम लोग अटेंड करते हैं, और क्रिमेशन का कहूँ तो इस टाइम हम लोग 100 से अब लोगों का संस्कार इस लॉकडाउन में अभी तक कर चुके हैं, और 40 केसेस हैं तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए कि कम से कम नहीं 300 से 350 के करीब हम लोग जो है ये सेवाएं अभी तक दे चुके हैं और चल रही हैं, अभी कंटिन्यू चल रही है।